हेलो दोस्तों आज हम जो आईटीआई का कल ग्यारह अगस्त का जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था उसका एनालिसिस कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ये है और ये सेकंड ईयर वाला का है जिसमें अभी हम ग्यारह क्वेश्चन हमें पता चला है तो ग्यारह क्वेश्चन को बता रहे हैं अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें से आप मिला सकते हैं कि आप कौन कौन सा दिए थे और अगर देने वाले हैं तो भी इसको एक बार देख करके जाइएगा क्योंकि हो सके तो पिछले एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन पूछ सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहला आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है यानी इनमें चार गो ऑप्शन है इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है केल्विन ब्रिज का जो कि आरवेंचर आर्मेचर के बाइंडिंग में होता है नेक्स्ट है दो डीसी जनरेटर में रिफ्लक्ट रिंग का क्या कार्य है ये डीसी जनरेटर में जो रिफ्लक्ट रिंग होता है उसका कार्य क्या होता है एक दिशा में आउटपुट आउटपुट बनाता है यानी दोनों दिशा नहीं सिर्फ एक दिशा में क्योंकि जनरेटर एक ही दिशा में उसका होता है तीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है यानी इलेक्ट्रोप्लेकेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है ए संट जनरेटर चार डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं तो ए यूरेका पांच अपने पक्ष के तीन कला सिक्वरल केज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है इनमें से चारों में से कौन सी विधि को आरोपित करते हैं तो ए कैस्टे कैस्केड संचालन विधि को हम करते हैं नेक्स्ट है छः नंबर क्वेश्चन मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है यानी मोटर जनरेटर अगर सेट है तो उसको लाभ क्या है तो इसका लाभ है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा कर सकते हैं मोटर जनरेटर सेट से सातवां सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस गति से क्यों नहीं चलता है सिक्रोनस जो मोटर है वो सिक्रोनस गति से क्यों नहीं चलता है उसका कारण क्या है अपर्याप्त उत्तेजना यानी जितना उसको पावर चाहिए उतना नहीं रहेगा तो वो सही से नहीं गति करेगा आठ डिवाइस सिंबल का नाम क्या है ये जो डिवाइस ये देख लीजिए ये जो सिंबल दिया गया है ये जो सिंबल है इसको हम किस नाम से जानते हैं इस सिंबल को तो इसको हम जानते हैं सी डायक इसको डायक बोलते हैं या तो फिर डैश भी उसको बोल सकते हैं नौ बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करने के लिए किस धातु का निर्माण किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है दस आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है इसमें से आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है तो यह है सी साइक्लो कन्वर्टर और आज का अंतिम प्रश्न है दस नंबर यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष क्या दोष है यानी अगर अधिक गर्म हो रहा है तो तेल सर्किट ब्रेकर में दोष क्या हो सकता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कम पराविद्युतिक शक्ति इसका मेन दोष है कि कम पराविद्युतिक शक्ति होगा तो ऐसे होगा तो ये थे आज के ग्यारह क्वेश्चन जो हमें जो एग्ज़ाम देकर के आए थे उनसे पता चला है तो अगर आप भी एग्जाम देकर के आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं चलिए और आज के लिए इतना ही तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें जय हिंद